पूर्वांचल में मात्र डॉन मुख्तार अंसारी की बहू और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी को चित्रकूट में गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने का मामला अब सियासी रंग लेने लगा है। हैदराबाद सांसद अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब खुलकर निखत अंसारी के समर्थन में आ गई है। ओवैसी की पार्टी का कहना है कि योगी सरकार निखत अंसारी का उत्पीड़न कर रही है और उसे फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेजा गया है। AIMIM ने निखत को जेल भेजने का विरोध करने पर कहा कि एक साल के दुदमुहे बच्चों से अलग कर दिया गया है। निखत अंसारी को दूसरा खुशी दुबे बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। AIMIM प्रवक्ता मोहम्मद फरहान के मुताबिक उनकी पार्टी निखत अंसारी की हर तरह से मदद करेगी और उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। निखत के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे और उसका उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। AIMIM प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आरोप लगाया है कि इस मामले में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की चुप्पी यह इशारा कर रही है कि इन्हें सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है। जब उनका उत्पीड़न होता है तब यह लोग इसी तरह से चुप्पी साध लेते हैं और इन्हें मुस्लिम बेटियों से कोई हमदर्दी नहीं है। फरहान का कहना है कि निखत अंसारी की हर तरह से मदद की जाएगी और उसे कतई दूसरी खुशी दुबे नहीं बनने दिया जाएगा। उनके मुताबिक निखत को साजिश के तहत फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया है। निखत पर आरोप है कि वह जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी से मिलने के लिए हर दिन रात 11 बजे जाती थी। इतना ही नहीं, हर रोज 3-4 घंटे दोनों की जेल में मुलाकात होती थी और यह सब कुछ जेल कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा था।